भारत और इंग्लैंड के बीच हुए चौथे टी20 मुकाबले में दो ऐसे मौके आए जब अंपायर का फैसला गलत हो गया। उन्होंने गलत फैसला सुनाया। बस इसी खराब अंपायरिंग को लेकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली जमकर भड़के। मैच के बाद विराट कोहली ने अंपायरिंग के स्तर पर भी सवाल उठा दिए। दरअसल चौथे मुकाबले में भारतीय पारी के चौथे ओवर में दूसरी गेंद पर थर्ड अंपायर ने सूर्य कुमार यादव के कैच को लेकर गलत फैसला सुनाया, क्योंकि मैदानी अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया था। और इसी तरह भारतीय पारी के 20वें ओवर में जब वॉशिंगटन सुंदर ने जोफ्रा आर्चर की गेंद को हिट किया, तब बाउंड्री पर मौजूद फील्डर आदिल राशिद ने गेंद को लपक लिया। रिप्ले के दौरान बॉल को पकड़ते हुए राशिद का पैर रस्सी को छूता हुआ नजर आ रहा था। इसके बावजूद टीवी अंपायर ने सुंदर को आउट करार दिया, क्योंकि यहां भी मैदानी अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल आउट दिया था। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने कहा, इस तरह के मामलों में जब बात करीबी हो तो सॉफ्ट सिग्नल काफी अहम बन जाता है। कोहली ने कहा, टेस्ट सीरीज में एक ऐसा वाक्य हुआ था जब अजिंक्य रहाणे ने गेंद को कैच किया था, लेकिन वो पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। मुझे समझ नहीं आता कि अंपायर्स के लिए भी मुझे पता नहीं जैसा कोई सिग्नल क्यों नहीं है। खेल के लिए ऐसा करना जरूरी है। सॉफ्ट सिग्नल को लेकर उपजे विवाद पर कप्तान कोहली ने कहा, इतने बड़े मैचों में आपको ये समझना होगा कि इस तरह के कुछ फैसले पूरे मैच के नतीजे पर असर डाल सकते हैं। सॉफ्ट सिग्नल काफी अहम हो गया है और ये काफी ट्रिकी है। आपको बता दें कि भारत ने अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत चौथे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड को 8 रन से हराकर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 2-2 से बराबरी हासिल कर ली है। और अब टीम इंडिया तैयारी कर रही है 5वें और आखिरी मुकाबले के लिए। ऐसे में देखना होगा कि विराट सेना इस मुकाबले के लिए किस तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।